गाइस, स्वागत है आपका लाइव ब्रांच चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस, आज हमने कुछ तिगड़म भिड़ाई। हमने सोचा कि संडे कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, और हमें रखना था हमारे छोटे का नाम। नहीं तो मम्मी का ऐसे कहना है कि नहीं तो सब उसे छोटी 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 बुलाने लग जाएंगे, है ना मम्मी? तो फिर मम्मी ने हम सभी को कहा कि सारे बच्चे हैं ना, अपनी अपनी तरफ से एक नाम सोच लो, और फिर मम्मी डिसाइड करेगी उनमें से दो तीन नाम, और फिर उन दो तीन नामों में पापा डिसाइड करेंगे उसकी उसका फाइनल नाम क्या होगा। और अगर दादा भी, मतलब सारे मिलके पापा दादा सबसे सलाह ली जाएगी, उसका नाम ही यानी कुछ भी रख दिया। और हमने फिर एक नया नाम और सोचा, हमने मम्मी और पापा का नाम मिला के फिर एक नाम निकाला है। अगर फिर ऐसे कोई और अच्छा नाम नहीं मिला कि हमें नहीं पसंद आया, तो फिर हम वो वाला नाम रख देंगे, मम्मी और पापा के नाम से मिलके जो हमने नाम बनाया है, तो फिर हम वो रख देंगे, है ना मम्मी? और अभी मैंने सभी बच्चों को बुला लिया था, और सभी बच्चे आ चुके हैं। ये आ गई है भाभी, है भूमि, आ गई दिशा, कहाँ है दिशु? सोचा है तूने नाम यहाँ पे? हेलो गाइस, कते भूमि भाभी। हेलो गाइस, आज आपने नाम सोचा अपनी छोटी सी बहन के लिए? हाँ, हमने फोन में देखे थे। अच्छा, आपको कोई पसंद नहीं आया क्या? आपने भी सोचा है क्या कोई नाम छोटी बहन के लिए दिशु? ठीक है, तो भाई देखो, दिशु और भाभी ने भी सोचा है नाम उसके लिए। आपको उस नाम का मतलब, और हाँ ये नहीं कि कुछ भी नाम रख दिया, उसका नाम का मतलब भी होना चाहिए कुछ अच्छा सा। भूमि तो आपने स्लिप बना के ला रखी है, दिखा रहा स्लिप पे? हाँ नहीं, दिखा रहे नहीं दिखाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं दिखाई किसी को भी पता ही नहीं लगेगा। लवी, निकिता आपने नाम सोचा छोटी बहन के लिए या आप ऐसे ही आ गए हो? मैं दूर से आ गई। तू दूर से आ गई? हाँ। तब नाम नहीं सोचा छोटी थी? चल निकल यार, तू यार कर क्या रही है? निकल यहाँ से। कार्तिक में? कार्तिक का? क्या मैंने कहा? कार्तिक का पे? ठीक है, तो चलिए अभी हम सभी आए हैं, इन्हें जरा सेटल कर देते हैं, फिर एक एक करके नाम बताएंगे ये अपना, और साथ में मीनिंग भी बताएंगे उसका। मैंने भी सोच लिया एक अच्छा सा नाम, और नितेश ने भी आई थिंक सोच ही लिया होगा, वो लग तो रखा था नाम सोचने में। उसी ने मैं सब पूछा, नाम सोच लिया तूने छोटी बहन का? मैंने तो नहीं सोचा, फिर सोचा मैंने उसके लिए नाम अच्छा सा। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, छोटा सा प्यारा सा नाम रखा है मैंने। हो गया टाइम पास। नमस्कार, हमारा नाम निकिता है और ये पागल है। और यह है पागल। मैं नाम सोच कर आ रही हूँ, मन तबेरा है, मुझे पूछ लिया था। यस, मुझे सब पता रहता है। ठीक है, तो गाइस अब बारी आ चुकी है, सभी एक एक करके अपना नाम बताएंगे। तो पहले किससे, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे? छोटे से, बड़े छोटे से, बड़े से बड़े से, छोटे से बड़े से, छोटे से बड़े से। चुप रहो, मम्मी बताओगी, मम्मी छोटे से बड़े या बड़े से बड़े से? छोटे से, चलो मेरी भाभी बताएगी। यहाँ खड़े हो जाओ, सबसे पहले मेरी भाभी, रुक जाओ मैं बैक कैमरा से बताती हूँ। मेरी भाभी बताओ, आपने अपनी छोटी बहन का क्या नाम सोचा है? उसे देखे वो खा रहा है। बताओ क्या नाम सोचा है? अच्छी बात है, क्या नाम सोचा है बताओ बताओ जल्दी। पिटाई होगी नहीं तो अब आपकी देख लेना, मैं ही मारूंगी। और भाभी आपको नहीं ठीक है, अब आएगा भाई गाइस मेरी दिशु का नंबर। तो दिशु बताओ आपने क्या नाम सोचा? हीना, इसने सोचा है हीना। तो चलो अब कार्तिक का नंबर है, भूमि है छोटी, आज भूमि भूमि तो अपने स्लिप बना के आ रही है। देखो भैया कौन सा इसका है? निकिता बहुत मारूंगी, और भी है, और दिशु का निकिता दे देना, और इसका नाम है हीना। हनवी हीना, बताओ
जो तुझे अच्छा लगता हो। भूमि ने सोचा है हत्वी सही मार्गदर्शक के मुबारक, इसके मतलब अर्थ है ये विद्वान। अच्छा हाथी का अर्थ है जो है सत्य उदार। एक छोटी सी बहती नदी, ठीक है, और हिती हिती सारे हिती ठीक है अच्छे लगे थे। मेरी आंटी के भी सोचे उठना वही बता। कार्तिक का पुत्र ने अपनी छोटी बेबे का क्या नाम सोचा भाई? हनिका। अच्छा लगा हनिका। अच्छा तू एक पहला पहला और आने वाला लास्ट में आऊंगी गाइस। लवना चुपचाप है, बताओ नाम बताओ तुम अपने अपने। मेरा फर्स्ट नेम है हिमाक्षी। हिमाक्षी। सेकंड नेम है हिमांशी। अरे बताओ चलवाऊंगी हिमाक्षी। हिमाक्षी और भी कोई अच्छा नाम हो तो वो बता दे। हिमाक्षी भूल गई निकिता। ठीक है आ जाए निक्की। छोटा है छोटा में क्या नाम है? एक हर्षिता और एक रितिका। और रितिका लविना आपका था। बड़ा नाम होगा निकी बताओगी। तो सब अपनी दिल की धड़कने थाम लो। सामने आने जा रही है निकिता। अब चलो निकिता अपना नाम बताओ। चलो बोलो बोले मुझे बोलना मन लगे देखो। हरिनी हरिनी अब है कैमरामैन की बारी। मेरे बहन का नाम होगा हर्षा। हर्षा मुन्ने भी अच्छा लग गया हर्षा नाम, क्योंकि इसका मतलब होता है हर्ष खुशी। वो हमारे घर में खुशियाँ लेके आएगी। हाँ ये तो बात है। हर्षा छोटी का नाम है। हाँ हर्षा लड़की का नाम है। तो उसका छोटा वर्जन है। छोटा वर्जन बड़ा नहीं रखना हमें, उसका कोई छोटा सा नाम रखना है। हान्या भी बहुत अच्छा नाम है। हान्या भी अच्छा है, हर्षा भी अच्छा है। नहीं तो अगर इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया ना तो हम पता उसका नाम क्या रखेंगे? जो भाभी ने मेरा और इसके पापा के नाम से मिलके अनवी। अनिल अनिल का अन और कविता का वी अनवी। नहीं अनविता बहुत गंदा नाम है, बहुत पुराना नाम है। अनवी रखेंगे छोटा सा। अब दादा तो पूछियो। हाँ दोनों नामों में था और ठीक है अनवी। और कोई भी नाम हो भाई किसी को कुछ नाम बता दो। हर्षा अनवी। यहाँ पे आप करवाते हैं गाइस वोट। इंग्लिश का नाम चाहिए तो प्रिया जी बताएगी इंग्लिश में क्या नाम हो सकता है। मैं तो अपने नाम हिमावारी हिमावारी बदल लो ना। रितिका हाँ हर्षा क्या क्या बोलिया एच तो चालू हो वैसे बोला रितिका। रितिका नहीं एच साइलेंट उसमें और नहीं भैया साइलेंट काम नहीं कर रहे काम तो अच्छा हान्या भी अच्छा लग गया मेरा नाम। हान्या हर्षा और अनवी इन तीनों में से कोई एक नाम रखा जाएगा। हान्या का हानी से हानी हो गया हानी। हाँ हान्या हर्षा है उसमें से रखेंगे। चलो लवीना की भी हान्या भी रख लेंगे देखते क्या रखेंगे। चलो आप बताओ भाभी आप बताओ अनवी रखें हर्षा रखें या हान्या हान्या रखें। मेरा बड्डा तो मुझे बड्डा
अनवी की वोट आ गई एक वोट, वोट। चल नितेश तू इन तीनों में तो वोट कर। निकिता तू दे अपनी वोट पढ़ा रहने दे इसने। ठीक है प्रियांशी तू अनवी पे वोट कर रही हो अभी। अरे दिशु कहाँ गई मेरी? आप बताओ दिशु आपको कौन सा अच्छा लगा? हर्षा अनवी कौन सा अच्छा लगा? अनवी ठीक है। कार्तिक कितने अनवी अनवी कार्तिक ने भी कह दी अनवी। और नितेश आज ये देखो इनकी कटिंग देखो दोनों भैया की कैसी कटिंग करवा कर रहे हो अब दादा। हाँ चलो तू वोट कर। तू किसको वोट कर? अनवी को। चलो तो सबकी वोटिंग हो चुकी यार। आप बहुत काले आए एकदम से कैमरे के आगे पता नहीं क्यों आए। तो चलो क्या नाम है अब दादाजी क्या नंबर होगा? थोड़ी देर में दादा नीचे आने वाले हैं तो सारे दादाजी तक पूछियो मेरी फिर गाइस लास्ट डिसीजन इसके पापा का और मेरा होगा। देखते हैं पहले उनसे पूछूंगी कि पहले उनसे पूछूंगी उनको क्या पसंद है। वैसे मेरी पर्सनल वो देखा जाए तो अनवी ही है क्योंकि क्योंकि उसमें हम दोनों का नाम इन्वॉल्व हो रहा है और वो हम दोनों की बेटी है इसीलिए उन दो उसका नाम अनवी रखते हैं। क्या हान्या कह देते तो हान्या की बदतमीजी। तो चलिए गाइस अभी इसके दादाजी आ जाएंगे जब मिलवाते हैं आपको इसके दादाजी से। और तीन दादा को चल देंगे अनवी हर्षा और हान्या। तो इन में तो इसके दादाजी कौन सा नाम बताते हैं ये भी पूछेंगे ठीक है। और दादा को है ना उसकी स्टोरी भी बताएंगे अनवी की क्या क्या स्टोरी है। तो दादा को कहेंगे है तो निकला था ये कैसे आ गया। तो चलिए गाइस अभी हम जा रहे हैं सभी से पूछने के लिए कि इन तीन नामों में से उसका नाम क्या रखा जाएगा। तो सबसे पहले अब हम जा रहे हैं हमारी बड़ी मम्मी के पास उसके बाद जाएंगे आंटी के पास और फिर बुआ के पास। तो सॉरी थोड़ा अंधेरा सा है यहाँ पे तो लाइट ऑन नहीं करके अभी मम्मी जी के। तो चलिए चलते हैं। बताओ हम आपसे पूछने आए हैं तीन नामों में से चॉइस दे रहे हैं हम आपको क्या रखे उसका नाम। उसका नाम रखे अनवी हर्षा हान्या। अनवी के पीछे कहानी है। अनवी मतलब मम्मी और पापा का मिक्स अनवी हमने भी अनवी अच्छा लगा अनवी अनवी आसान भी और मम्मी पापा का नाम मिक्स हो रहा है इसमें हाँ अच्छा भी लगा छोटा सा प्यारा सा। तो मम्मी की भी वोट है अनवी की तरफ। तो बुआ हमने ना इसके तीन नाम सोचे आप बताओ आपने इनमें तो सबसे बढ़िया नाम कौन सा रख गया ठीक है। और यहाँ पे रेड रेड इसीलिए हो रखा है क्योंकि हमने यहाँ पे दूसरे टाइप का बल्ब लगा रखा है छोटी बहन के लिए। तो एक तो है अनवी एक है हर्षा और तीसरा की लमन्या हान्या। अनवी के पीछे कहानी है यो मम्मी और पापा का नाम मिक्स कर रखा है अनवी। बताओ कौन सा नाम तो तुमने इस पे रखना है वे किसे पे रख लो आप तीनों में तो सबसे बढ़िया कौन सा लग गया? हर्षा हान्या और अनवी सब में अच्छा कौन सा लग गया सुनने में? देवटी वो तो समझ की बात से पता रहो तो हर्षा भी ठीक से बस पुराने बड़े बढ़िया के भी है नाम हर्षा अनवी हान्या अकनवी अनवी बुआ की भी वोट अनवी की तरफ ही है। आप बताओ आंटी इन तीन नामा में तो बेटा अनवी है ठीक है इन तीन नामा का छटवा होता है हाँ है तो नाम तो और भी बहुत सारे हैं जैसे है तो नाम है तो अच्छे हर्तिका मतलब अच्छे से ना लागे ना वे पुराने बोलने में भी ना आता है तो इस मारे भी कोई भी हर्षा भी अच्छा ना लागे मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लागे पुराना भी है हर्षा कितना मतलब है तो खुशी इसका मतलब है हाँ। लेकिन नाम अच्छा नहीं लगा हीति अच्छा लगा बल्कि किसी ने नहीं मेरी पसंद है ठीक है अगर करना चाहो तो हीति भी अच्छा नाम है ठीक है पर इन तीनों में तो सारा की वोट अनवी की तरफ है। अब बस दादा और पापा बच गए पूछते हैं किसकी वोट किसकी तरफ है। हम सारे बच्चा ने भी अनवी कही और मम्मी ने भी तीन बताया बड़ी मम्मी ने भी अनवी कही बुआ ने भी अनवी आपने भी अनवी थे इसका नाम तीन नामा मत अनवी अच्छा नाम
है तो हमने बहुत सर्च कर लिया है तो हटाना मैं इसे निकले हाँ बहुत है एक वर्ड ऐसा है अच्छे से लागते को नहीं वे नाम सुनन मैं भी और ऊं भी बोलन बोले जो कर एक बारी रख लेंगे तब फिर आदत पड़ जाएंगे हाँ। अच्छे लाग जाएंगे जैसे कि भावी रखा जब उस टाइम पर मारा कितना भावी भावी का रखे थे भावी ऐसे लिए कह लेकिन ये भी नहीं लगता भावी है हां इसलिए ना नहीं लगता कि ज्यादा मुंह पे भावी छोटी पर अन भी छोटा सा प्यारा सा नाम है अन भी बहुत अच्छा नाम है यूनिक नाम है बहुत अच्छा गाइस देखिए अब पापा आ चुके हैं तो चलिए अब हम पापा से पूछते हैं कि छोटी बहन का क्या नाम रखेंगे तीन नाम है एक तो है क्या था एक तो है हर्षा एक हव्या क्या था वो एक मिनट नाम था हान्या हर्षा और एक अनवी आपका अन और मेरा भी अनवी ठीक है अनवी ठीक है अनिल का अन और भी कविता का भी हम दोनों का नाम मिलाकर सारा नन भी एक ही यार सबकी वोट अनवी पे आ रही है पापा अपना भी करते सब भी अनवी पे फाइनल ऐसा कुछ नहीं था ना पापा जो वो करते अच्छा भी अच्छा है अनवी अरे वो तो अवनी भी रख दे मैं लेकिन अवनी बोता कहा अनवी अलग है नाम अवनी भी ठीक से है फिर उस तो यूनिक नेम अनवी लगाना है वो अभी हम दोनों का नाम आवे है उस हम दोनों का नाम अवनी रख अनवी 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 ठीक है दादा ने कौन पूछ कहो ठीक है चलो अनवी या अवनी अवनी ये दोनों तो वैसे हो गए कुछ रख लो इन दोनों में तत है अनवी रख लेते हैं ठीक है मम्मी के अनवी अब अनवी उसका है जो आपकी आंटी ने भी अनवी पसंद आ रहा है अवनी बुआ तभी पूछी थी बुआ अनवी का है अवनी ने का फाइनल हो गया और बुआ नाम टेके अगर तो भाई वैसे हको है बुआ का नाम टेकन का तेरी बुआ ने भी अनवी कह रखा है ना तो फाइनल है के भाई नामकरण हो चुका है मेरी गुड़िया का नाम है आज से अनवी ठीक है उसका नाम तो गाइस कमेंट करके बताना आपको मेरी बच्ची का नाम कैसा लगा ठीक है और क्या करना आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही करना और कमेंट करना और मेरी बेटी को बहुत सारी ब्लेसिंग देना मेरी गुड़िया रानी को अनवी को ठीक है तो उसका नाम नहीं उसका उसका और कोई निक नेम छोटी नहीं कहेंगे अब आज से उसको बिल्कुल कोई भी छोटी नहीं कहेगा अब आज से उसका नाम हो गया है अनवी हाँ फाइनल हो चुका है उसका नाम हो चुका है ठीक है